अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ जो प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है YouTube की मोनेटाइजेशन, जिसके ऊपर हमें सोशल मीडिया में बहुत कुछ देखने को मिल रहा है कि जी YouTube चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहे। जो न्यू YouTube चैनल्स हैं जिन्होंने 4000 वॉचर्स कंप्लीट किए हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स अचीव किए हैं, वो सारा जो उन्होंने एक माइलस्टोन है उसको अचीव करने के बाद, अब जब हम इनकी फर्स्ट स्टेप, YouTube के तीन स्टेप्स होते हैं, फर्स्ट स्टेप आपने जब अचीव कर लिया 4000 सब्सक्राइबर्स का, तो सेकंड स्टेप के ऊपर मोबाइल वेरिफिकेशन कोड नहीं आ रहा आपके मोबाइल पर। तो इससे रिलेटेड इसका एक सिंपल सा सलूशन है, क्योंकि मैं सलूशन की बात करूंगा, क्योंकि मेरी डोमेन नहीं है कि मैं YouTube की मोनेटाइजेशन के ऊपर और इन चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम्स करूँ, मेरी डिफरेंट डोमेन है। मगर क्योंकि सोशल मीडिया में इतनी हाइप लोगों ने डाली हुई है, इतना वो कॉन्टेंट ऊपर नीचे किया हुआ है ताकि वॉचर्स मिलें, व्यूज़ मिलें, ताकि सब्सक्राइबर्स मिलें, कि जिन्हें पाकिस्तान में मोनेटाइजेशन बैन हो गई है, मगर हमारे पास जो सलूशन है, और आप उनकी पूरी वीडियो देखें ना, 10 मिनट की वीडियो में उन्होंने सलूशन की बात नहीं की हुई, आखिर में 3-4 सेकंड में उन्होंने ये बात की हुई है कि जी आप ईमेल करें फीडबैक के अंदर, आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें और यूट्यूब आप नज़रसानी करेगा। भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, यूट्यूब काम कर रहा है, पाकिस्तान में ऑफिशियली चल रहा है, कोई बैन नहीं हुआ, यूट्यूब नहीं गया। यूट्यूब में अगर आप जेन्युइन कंटेंट आप अपलोड करते हैं, आप जेन्युइन कंटेंट पे काम करते हैं, 4000 वॉचर्स कंप्लीट करते हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स का माइलस्टोन विन करते हैं, तो उसके बाद सिंपल स्टेप है कि आपका फर्स्ट स्टेप विन हो जाएगा, सेकंड स्टेप है 2-स्टेप वेरिफिकेशन कोड। यार अगर आपके मोबाइल पर नहीं आ रहा, कोई सिम में ना लें यूफोन वारद की, जो आपने 2-3-4 दिन अटेंड कर ली, आपने वेट कर लिया, अब एक काम करें, एक जीमेल का नया अकाउंट क्रिएट करें, उसमें नया नंबर डालें, उसमें नया एड्रेस डालें, उसमें वो पर्टिकुलर्स ना डालें जो आपके पहले वाले एडसेंस के थे। वो 2-स्टेप वेरिफिकेशन कोड मांग रहा होता है, उसका सलूशन ये है कि आप जो पुराने एडसेंस के जो भी पर्टिकुलर्स हैं वो आप नए एडसेंस में ऐड ऑन ना करें, आप एक नए नाम से ईमेल बनाएं, नया नंबर दें, नया एड्रेस दें, एड्रेस जेन्युइन होना चाहिए, कि उसमें आपको पेन आएगा जब $10 आपके यूट्यूब में बन जाएंगे, तो आप नए पर्टिकुलर्स के साथ आप जो है एडसेंस अकाउंट बनाएं, आप 2 दिन वेट करें, 2 दिन वेट करें, 48 घंटे वेट करें, उसके बाद आप जो अपना YouTube का साइन इन करके अपना जो आपका है लॉगिन और पासवर्ड, आप उसको आप उसमें वो ईमेल, नया ईमेल आप उसमें ऐड करेंगे, तो आपको लिखा जाएगा कि योर एप्लीकेशन हैज बीन रिसीव, आपकी जो ये एप्लीकेशन है एडसेंस से रिलेटेड ये हमने एक्सेप्ट कर ली है, मगर ये इन प्रोसेस है। आपको कोई 2-स्टेप वेरिफिकेशन का मैसेज नहीं आएगा, आपको कोई 2-स्टेप वेरिफिकेशन का कोड नहीं लिखा आएगा जी कि ये कोड जो है ये नहीं जा रहा, आप रॉन्ग कोड एंटर कर रहे हैं, कोई आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वो YouTube आप उस ईमेल जिस ईमेल से आपने लॉगिन किया, जो आपका YouTube का आपका मेन ईमेल एड्रेस है, जब आप उसमें सेकेंड स्टेप में आप दूसरे वाले एडसेंस के ईमेल को ऐड करेंगे, तो वो आपसे ना कोड मांगेगा ना आपसे ये बोलेगा जी कि आपने गलत कोड सेंड किया है, और 1-2 दिन में वो आपका इन प्रोसेस होगा, और 1-2 दिन के बाद वो आपका सेकंड स्टेप के ऊपर भी टिक मार्क लिखाएगा, योर एडसेंस हैज बीन अप्रूव्ड। फिर उसके बाद वो जो 3rd स्टेप है कि जी जो YouTube है वो आपकी सारी आपके चैनल को जो है रिव्यू करेगा, देखेगा, मॉनिटर करेगा, अगर वो ठीक होगा तो उसको मोनेटाइज कर देगा। ये प्रोसीजर भी आपका 2-3-4 दिन में या मैक्सिमम 2 वीक्स में ये भी प्रोसीजर हो जाएगा। टॉप 50 यूट्यूब के वीलॉग्स निकालें कि जी हाउ टू रिजॉल्व दिस इशू, या आई एम फेसिंग दिस 2-स्टेप वेरिफिकेशन इशू फॉर माई मोनेटाइजेशन पर्पज, तो आपको टॉप 50 प्रोग्राम में आपको पूरा प्रोग्राम आप देख लें। हर बंदा एक तरह की बात कर रहा है, हम पाकिस्तानी जुगाड़ू हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है, पाकिस्तान में वो हो रहा है, YouTube यहाँ से जा रहा है, YouTube यहाँ से बैन हो चुका है, बैन होने वाला है, ठीक है। 22 करोड़ की पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी मार्केट है पाकिस्तान, इतनी पूरे यूरोप की बात नहीं जितनी पाकिस्तान की बात है, इतनी बड़ी मार्केट है, इतनी बड़ी मार्केट से YouTube कभी जाएगा नहीं। हम वॉच टाइम लेने के लिए, हम अपना व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए हम लोग थंबनेल में लिख देते हैं जी कि बैन हो चुका है YouTube, मगर मेरे पास सलूशन है, मैं इस चीज़ का डॉक्टर हूँ, तो मेरा प्रोग्राम देखें, हम पूरा प्रोग्राम देखते हैं, मैंने आपको 50 प्रोग्राम्स कहा है, आप वो देखें, आपको कोई काम की सलूशन की बात नहीं करेगा। एंड में एक बात हर बंदा करेगा, आप YouTube को ईमेल करें, उनको फीडबैक की ऑप्शन होती है, कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम बताएं, वो नज़रसानी करेंगे तो करेंगे, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। भाई आपको उनको ईमेल करने की फीडबैक देने की ज़रूरत नहीं, आप अपना एडसेंस का नए पर्टिकुलर्स के साथ ईमेल डालें, वो ऑटोमेटिकली 1-2 दिन के बाद उसको अप्रूव कर देगा, मगर वो ऑब्वियसली ठीक होना चाहिए। तो ऐसी परेशानी वाली कोई बात नहीं, कोई कॉपी पेस्टिंग, कोई कॉपीराइट कंटेंट पर काम ना करें, वॉचर्स कंप्लीट करें, सब्सक्राइबर्स अपने बढ़ाएं, 1000 मिनिमम रिक्वायरमेंट आपका 2-स्टेप वेरिफिकेशन। मगर अगर प्रॉब्लम आता है, जो आ रहा है बिल्कुल आ रहा है, अपने पर्टिकुलर्स के साथ उसमें ईमेल ऐड ऑन करें। और इंटरेस्टिंग बात यह, जब आपका
प्रोसेस कंप्लीट होगा, फिर मोनेटाइजेशन में 2-3-4 दिन लगेंगे, उसके बाद आप अपना एडसेंस के पर्टिकुलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आप एडसेंस अपना पुराना वाला भी लगा सकते हैं, आप कोई नए किसी पर्टिकुलर के साथ अपना एडसेंस भी लगा सकते हैं। मीन्स कि आप अपने यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन के बाद भाई कोई ना कोई अपनी मर्जी का एडसेंस उसके साथ कन्फिगर कर सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं, सिर्फ आपको ठीक काम करना है। मसले मसाइल फ्रॉड ये वो ये पूरी दुनिया में होते हैं, ऐसा नहीं, फर्क ये है हम लोग ही कोशिश करते हैं कि हम वो तस्वीरें दिखाएं, वो हम उस तरह की चीज़ें लोगों को बताएं जी ये हाथ टूट गया, बाजू टूट गया, ये फ्रॉड है, ये चोर है, हम डकैत, हम ये हम वो, ताकि हमें वॉच टाइम मिले, हमें व्यूअरशिप मिले। भाई पूरी दुनिया में होता, फर्क ये हम अपने आप को एक्सपोज करते हैं ताकि हम पैसे कमा सकें, और वो नेशंस इस वजह से चीज़ों को हाईलाइट नहीं करती क्योंकि उनके लिए सबसे पहले होता है हमारी नेशन बदनाम ना। तो खुदारा अपने आप के अपने मुल्क को अपने आप को बदनाम ना करें। YouTube चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, आप सही काम करें। टू स्टेप वेरिफिकेशन का हल, नए ईमेल एड्रेस के साथ अपना एडसेंस बनाएं, नए पर्टिकुलर्स, अपना एड्रेस, अपना टेलीफोन, अपना नाम डिफरेंट नाम के साथ करें, जिसको कल को आप अपने पुराने एडसेंस के साथ भी आप ऐड कर सकते हैं। आप अगर नया एडसेंस बनाया उस पर भी आप पर्टिकुलर चेंज कर सकते हैं। हमें थोड़ा सा इस चीज़ के ऊपर खुदारा एज ए नेशन सोचना चाहिए कि हम वो काम करें जिस काम से हमारी कौम को फ़ायदा हो, ना कि हमारी अपनी ज़ातियात को फ़ायदा हो। झूठ बेच रहे हैं लोग, कोई क्वालिटी कंटेंट नहीं बेच रहे, कोई ऐसा लेसन ओरिएंटेड चीज़ हमारे में नहीं हमें उतनी देखने को मिल रही। क्यों? क्योंकि बस ये है यार कि मेरी फकी बिक जाए। आप मुझे बड़े अफसोस से ये वीलॉग करना पड़ा क्योंकि मेरी डोमेन नहीं है, मेरी डोमेन डिफरेंट है। मगर जब मैं सोशल मीडिया ऑन करता हूँ तो हर जगह मोनेटाइजेशन का सलूशन, हर बंदा मोनेटाइजेशन का डॉक्टर बना हुआ, ऊपर ये लिख रहा है कि यूट्यूब बैन हो गया, यूट्यूब बैन हो रहा है यूट्यूब। मगर मेरे पास इस चीज़ का ना बड़ा अच्छा, मेरे पास ऐसी एक मेडिकेशन है जो मैं दूंगा। भाई सिंपल मेडिकेशन एक है, टू स्टेप वेरिफिकेशन का कोड नहीं आएगा, उसके लिए नया एडसेंस नए पर्टिकुलर के साथ बनाए, आपका मसला हल हो जाएगा। मैं तो मैं आपको ये कह रहा हूँ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन दबाएं, मैं कोई आपसे ये बात नहीं कर रहा क्योंकि मेरा मकसद इस प्रोग्राम को करने का ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मेरा ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि खुदारा सही कंटेंट पर काम करें, पॉजिटिविटी रखें, मोटिवेट रहें, हिम्मत करें, इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक बहुत देगा। सही तरीके से चलें, कोई गलत शॉर्टकट्स के चक्कर में ना पड़ें। बिल्कुल यूट्यूब यहाँ पर चल रहा है, पेपॉल तो यहाँ पर कभी आया ही नहीं था ऑफिशियली। लोग कहते हैं पेपॉल चला गया, भाई जब आएगा भी नहीं। अमेजोन आया, बिल्कुल चल रहा है। जब आप लोग गलत पर्टिकुलर्स डाल के अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे, अपनी प्रोफाइल्स बनाएंगे, गलत एड्रेसेस, गलत टेलीफोन, तो ऑब्वियस बात है उसने आपके अकाउंट सस्पेंड करने हैं, जिसकी वजह से अमेजोन ने बहुत से अकाउंट सस्पेंड अपने किए हैं और हो भी रहे हैं लोगों के। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि अमेजोन यहाँ से चला गया। जो काम करें जेन्युइन करें, इसके रिजल्ट भी जेन्युइन होंगे और आपको खुद से भी एक अच्छा एक फीलर आएगा। थैंक यू वेरी मच।